Welcome to Learn Commerce PU Online Classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के क्लास में आप सबको स्वागत कर रहे हैं। हम लोग 5 पार्ट को पूरा किए हैं, तो बाबा साहेब अम्बेडकर पिछली कक्षा में सीखे थे। आज जो मैं ले रही हूँ, जो नया पार्ट है, 6th पार्ट है, जो है दिल का दौरा और एंजाइना, और इसके लेखक है जो है डॉक्टर यतीश अग्रवाल। ठीक है, और आज हम जो सीखने जा रहे हैं दिल का दौरा और एंजाइना। ये दिल का दौरा का अर्थ है हार्ट अटैक, और एंजाइना का अर्थ है हार्ट ब्लॉक हो जाना। तो क्या इन दोनों विषयों में डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी क्या कहते हैं, देखेंगे। सब पाठ का विस्तार करने से पहले डॉक्टर अग्रवाल जी के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। लेखक परिचय। डॉक्टर यतीश अग्रवाल वरिष्ठ चिकित्सा एवं चिकित्सा विज्ञान के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। आपने अनेक रोगों के लक्षण और रोग निदान के उपायों पर कई लेख लिखे हैं। आप संप्रति दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ आचार्य के पद पर सेवारत थे। आचार्य मतलब प्रिंसिपल के रूप में काम करते हैं। आप राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य सेवा संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आप विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में भी कार्यनिरत हैं। आपके लेख अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इनके बारे में बहुत सारे अखबारों में सब आ जाता है, इसके लिए दिया है पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने औषध विज्ञान संबंधी विषयों पर संशोधन लेख भी प्रस्तुत किया है। आपकी कई कृतियां भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, जापानी एवं चीनी भाषा में भी अनुदित है, यह इनका विचार था, और अनेक पुस्तकों को भी इन्होंने लिखा है। इस पाठ को यहाँ पे क्यों रखा है, आगे देखिए। प्रस्तुत लेख स्वास्थ्य के 200 सवाल पुस्तक से लिया गया है। आज के सामाजिक संघर्ष एवं तनाव से भरे जीवन में दिल का दौरा एक सामान्य बीमारी है। टेंशन, तनाव मतलब क्या है, टेंशन और संघर्ष, बिजी लाइफ है, इस वजह से ये हमारा जो है दिल का दौरा लेसन को यहाँ पे रखा गया। इससे बचाव और मुक्ति पाने के उपाय इस लेख में दिए गए हैं। कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं और इससे मुक्ति पाना, परमानेंटली जाना है तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे इस लेख के अंतर दिया गया है। विद्यार्थियों को क्यों दिया है ये पाठ, विद्यार्थियों को दिल का दौरा और एंजाइना जैसी घातक बीमारी से अवगत कराने के उद्देश्य से इस लेख का चयन किया गया है। आप लोगों को पता रहना चाहिए किस वजह से, किस कारण से ये एंजाइना या दिल का दौरा आ जाता है, इसके बारे में आपको बहुत जानकारी देने के लिए इन्होंने यहाँ पे लेख लिखा है, इस पाठ को दिया गया है, चयन किए गए हैं। तो आजकल हम लोग क्या है, दिल का दौरा छोड़िए, हम घर से बाहर भी नहीं आने के लिए डरते हैं, क्योंकि आज का माहौल बहुत गंभीर है, क्योंकि सब जगह देखेंगे तो कोरोना कोरोना ही आवाज आ जाता है। इसमें जो इस बीमारी में और उस बीमारी में क्या है, दिल को थोड़ा जोर पड़ने से तब हमें ये ब्लॉकेज हो जाते, 70-80% जो ब्लॉकेज हो जाता है, तब क्या है, दिल को जोर पड़ जाता है, भारीपन हो जाता है, तब अटैक हो जाता है।
तो एंजाइना में ब्लॉक पहले हो जाता है, एंजाइना मतलब ब्लॉक पहले हो जाता है, उसके बाद में 70-80% ये होने के बाद हमें पता चलता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। जब चलते समय दिखा ये हमें भारी भारी हो रहा है, तो दिल में भारी चीज रखा है ऐसे लगता है, थकान हो रही है, तब हमें पता चलता है कुछ कमी है दिल में, और क्या है अटैक भी हो जाता है। ये जो आजकल जो हम क्या है बीमारी के साथ जी रहे हैं, तो बीमारी और पढ़ाई, बीमारी जिंदगी सब एक साथ बन चुका है, आप तो जानते हैं, इस वजह से स्कूल कॉलेज खुला नहीं है। तो ये बीमारी घातक है, लेकिन आज का जो जो है मुंह पे मास्क बांध के ही जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो क्या है वहीं पे हमें कुछ भी सांस से या मुंह से जो बात करेंगे, जो कोरोना का जो पेशेंट है उसके जो थ्रू क्या उसके सांस से हमें मिल जाता है कि सांस में आ गया तो आप आदमी तड़न मर जाता है, ऐसे सब बोलते हैं। लेकिन ये दिल का दौरा किस प्रकार हो जाता है आप यहाँ पे सीखेंगे। आज हम इस कक्षा में यही सीखने वाले, दिल का दौरा किस प्रकार होता है, कैसे आता है, इसे हमें कैसे नियंत्रण करना चाहिए। तो पाठ को ध्यान से सुनते जाइए और पाठ को आपके पुस्तक पे ध्यान रखिए। दिल का दौरा और एंजाइना किसे कहते हैं? ये दो रूप है एक ही हृदय रोग के। ये क्या है? दो रूप है एंजाइना और दिल का दौरा, ये आप समझ लीजिए। हृदय ही शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के समस्त भागों में जीवनदायी रक्त को पंप करता है। तो मनुष्य में दो ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, दो ही रहते हैं कि एक हार्ट और किडनी। जो आदमी में किडनी चला गया तो भी क्या है गारंटी नहीं रहता है। ये हार्ट का भी वैसे ही सब कुछ कार्य हार्ट करता है, तो हार्ट बराबर नहीं तो आदमी की क्या है हालत बहुत खराब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे शरीर के समस्त भागों में जीवनदायी रक्त को पंप करता है। तो रक्त को वहां पे पंप जैसे पंप करता है, आपने बायोलॉजी में या सीखे होंगे। तो किस प्रकार क्या है ये ब्लड या खून जाता है वहां पे, और उसको दो कवाट रहते हैं, अपधमनी अमिधमनी, दो कवाट रहते हैं, एक में बुरा खून रहता है एक अच्छा खून रहता है, तो अच्छा क्लीन करके बॉडी में आ जाता है। तो इस प्रकार का काम करता है, इसके लिए पंप दिया गया है। इस काम के लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है और उसे स्वयं भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इतना काम आसान नहीं है, इतना बहुत काम करना पड़ता है हार्ट के लिए, हमें पता ही नहीं चलता। हम तो रोजी रोज दिन ब दिन काम करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ये उतना काम करता है, उतना ऊर्जा, ऊर्जा मतलब क्या है शक्ति, पावर, ये क्या पावर या शक्ति जरूरी पड़ती है उसे काम करने के लिए। यह ऊर्जा उस तक पहुंचाती है जो मुख्य कोरोनरी धमनियों और उनकी छोटी बड़ी बहुत सी शाखाएं, धमनी मतलब अपधमनी अभिधमनी सब रहते हैं इसके लिए कहते हैं धमनियां, जब कुछ कारणों में उनमें सिकुड़न आ जाती है तो हृदय को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती है। सिकुड़न, सिकुड़न मतलब क्या है संकुचित करना, श्रिंक हो जाना, कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ जाना, तो क्या है वहां पे बराबर से उसे पंप करने के लिए खून नहीं मिलता है। तो हाँ, ये श्वास में भी क्या है सांस भी बराबर नहीं चलेगा, तो क्या है पंप हमारा जो अच्छा खून या बुरा खून ये जो जो है वो काम करता है वहां पे क्या है प्रॉब्लम हो जाते, तकलीफ हो जाता है। तो का पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल जाती है, शक्ति या पावर से नहीं मिल जाती है। लेकिन हृदय तब भी किसी तरह काम चलाता रहता है, तो फिर भी क्या है काम करते करते रहता है, कितना भी हो उसका काम वो करते रहता है। और लेकिन जब जब उसे अधिक काम करने की जरूरत पड़ती है, यह स्थिति उसके लिए असहनीय हो जाती है और वह उस बोझ को सह पाने में अपने को असमर्थ पाता है,
इसे कहते हैं एंजाइना। तो कितना भी हो वो पंप करते रहता है लेकिन उसे उसकी ऊर्जा या शक्ति पावर नहीं मिलता है उतना, तब क्या हो जाता है, हृदय में डैमेज होते जाता है, प्रॉब्लम आते जाता है। किस प्रकार का प्रॉब्लम होल हो जाता है, होते जाता है, ये जो कहाँ तक होता है आदमी को, जो 70-80% होने के बाद ये अटैक हो जाता है। इस जो प्रॉब्लम के लिए कहते हैं एंजाइना। जिस प्रकार जो है वो पंप ऊर्जा या उत्पन्न नहीं करते जाता है, काम बराबर से नहीं कर जाता है, मनुष्य को नहीं पता चलता है कि मेरा हार्ट मुझे काम नहीं करता, कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आ जाता है, मनुष्य को पता चलता है, तो हम क्या सोचते हैं, खाने में कुछ कमी हो जाने से, खाने के बदहजीबी ना होने के कारण गैस्ट्रिक होगा, ये होगा, वो होगा, हम लोग सोचते रहते हैं। लेकिन असली में क्या है, वहाँ पे बराबर से पावर नहीं जाता है, ऊर्जा नहीं जाता है, शक्ति नहीं जाती है, तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली डैमेज होते होते जाता है हृदय, तो वहाँ पे होल बन ब्लॉक हो जाता है, हार्ट ब्लॉक होने के लिए कहते हैं एंजाइना कहते हैं। तो आगे देखिए छात्रों, तो यह रोग किन कारणों से होता है हमें पता नहीं चलता है, कैसे आ जाता है ये रोग, हमें कैसे मालूम पड़ता है, इसका सिम्टम्स क्या है वो आगे है। अब हमें क्या क्या करने से, किन किन कारणों से आता है देखिए, अनियमित उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो जाने से ऐसा होता है, कभी कभी पंप या हृदय का बराबर से काम नहीं करता है, और डायबिटीज या शुगर कहते हैं, और मोटापा, हिसाब से ज्यादा मोटे बन जाते हैं, खाते हैं खूब खाते हैं खूब खाते हैं तो क्या हिसाब से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा हम मोटा हो जाएंगे, मोटे पे मोटे हो जाएंगे, मोटापा हो जाएगा हमारा शरीर, तब हो जाता है। और मानसिक तनाव से भी अटैक हो जाता है, मानसिक तनाव में अधिक टेंशन, बहुत ही टेंशन करते रहते हैं, तो वह बहुत हमें मानसिक टेंशन रह जाएगा तो क्या है, इससे भी अटैक हो जाता है। अधिक मात्रा में धूम्रपान, क्या है, बीड़ी सिगरेट ज्यादा करेंगे, हिसाब से ज्यादा पियेंगे, तो धूम्रपान हिसाब से अच्छा ही नहीं है, लेकिन थोड़े लोगों क्या इसके बिना जी नहीं सकते, इसके लिए दिन में एक बार दो बार लेते हैं, लेकिन एक दो बार की अलग बात है, दिन में क्या है एक पैकेट ही खत्म करने वाले, एक पैकेट से ज्यादा भी खत्म करने वाले रहते हैं, धूम्रपान ऐसे करने से भी ये इसके हार्ट के लिए दिल के लिए प्रॉब्लम आ जाता है। और वसायुक्त खाद्यों का सेवन और मदिरापन, जो क्या है, जो तले हुए भुने हुए सब जो है ऑयली थिंग्स हमें बहुत पसंद है, उसको भी ज्यादा खाने से भी ये ऑयली आइटम चर्बी जम जाती है, इस वजह से क्या है हो जाता है। और मदिरापन शराब पीने से, सबसे ज्यादा शराब पीना, शराब शरीर के लिए अच्छा भी नहीं है लेकिन पीना नहीं छोड़ेंगे तो पी पी के उधर पढ़ना इधर पढ़ना पढ़ के रहते हैं, उसी में खाना पानी नहीं है कुछ भी नहीं है, मदिरापन शराबी जीवन है, ऐसे सोचने वाले रहते हैं, उन लोगों के लिए हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी आ जाती है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल आजकल बहुत सारे लोगों में सुनते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे कोलेस्ट्रॉल है सुनते हैं, लेकिन ये भी रक्त में कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो क्या है, दिल को बहुत ठेस पहुंचाती है। परिवार के अन्य सदस्यों में हम रोग का होना और व्यायाम तथा शारीरिक मेहनत ना करना इस रोग के मुख्य कारण समझे जाते हैं। और ये वैज्ञानिक तौर पे क्या कहते हैं, जो शुगर जो आता है वो हेरिडिटी कहते हैं, और पापा के पापा पापा के पापा इस खानदानी में रहेगा तो आ जाता है, ये भी जो है हार्ट का प्रॉब्लम भी क्या है, वैज्ञानिक हिसाब से डॉक्टर कहते हैं ये भी एक टाइप के हार्ट अटैक है, हार्ट का प्रॉब्लम जो है खानदानी तौर पे आ जाता है, फैमिली में किसी को रहेगा तब भी आ जाता है, शुगर तो आता ही है इसी प्रकार, तो ये भी जो आने का चांसेस रहता है। और क्या है, हमारी बॉडी में बहुत सा मेहनत नहीं करेंगे, सोना उठना टाइमिंग खाना पीना उतना ही रहेगा तो भी ये हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है। इस रोग के मुख्य कारण समझे जाते हैं, ये सब क्या है, रोग आने के लिए ये सब हो जाता है क्योंकि हम शारीरिक रूप से मेहनत नहीं करते, तो ऊपर के जो बीमारी के वजह से हो जाता है, और हम जो काम करते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, मदिरापन या शराब पीते हैं, ये सब हम कर लेते और हमारे हाथ से कर लेते, पता है रहता है हमें शराब पीना नहीं है, बीड़ी पीना नहीं है, ये सब पता रहता है, लेकिन पता रहने के बावजूद भी हम क्या पर्पसफुली हम पी लेते हैं और सिगरेट भी लेते हैं, ये जो हम मांग लेते हैं बीमारी को,
जो आने का है, जो किस कारण से जो हम तले हुए भुने हुए खाते हैं वो ज़्यादा खाते हैं और हमारा शरीर मोटापापन हो जाता है, हम व्यायाम नहीं करते हैं, सुस्ती ज़्यादा करते हैं, तभी भी हार्ट के लिए दिल के लिए प्रॉब्लम आ जाता है। इन सभी कारणों से ये सब ये दिल का दौरा या एंजाइना आ जाते, समझ गए। और आगे देखिए, इसके अलावा व्यक्तित्व का भी रोग से करीबी संबंध पाया गया है। तो और ऐसे लोग जिनके स्वभाव में उग्रता होती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते और अपने गमों में भीतर ही भीतर घुलते रहते हैं, उनमें यह रोग अधिक देखा गया है। तो कभी कभी दर्द हो जाता है तो लोग या रोगी या बीमारी उसे नहीं बोलता है कि मुझे ऐसा हो रहा है वैसा है। बीमारी क्या है, बीमारी को अंदर से छपा के रखता है, कुछ भी नहीं है, ऐसे अच्छा है, ठास है, ऐसे बताने वाले पर बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है, भीतर ही भीतर और गुमसुम सोचते रहते हैं, पता नहीं चलता है। ऐसे में बहुत ये बीमारी दिल का दौरा आ जाता है। इसी तरह अकेले जिंदगी बसर करने वाले लोगों में भी यह रोग अधिक होता है। फैमिली के अंदर नहीं, अकेले रहते हैं, अकेले रहेंगे तो क्या है, टीवी मोबाइल सब रहेगा तो भी क्या है, उसके ज्यादातर लोग क्या है, सोचते रहते हैं, थिंक करते रहते हैं, तो ऐसे अकेलेपन में भी आ जाता है दिल का दौरा। तो क्या हम तो विद्यार्थियों, हम किस प्रकार से आता है हम सोच भी नहीं सकते। तो हंसी खुशी से जिंदगी रहेगा तो आ नहीं सकता, ये हंसी से भी हार्ट अटैक हो जाता है, तो ये भी कहते हैं। तो किस कारण से ये सब इनके अग्रवाल ने बताया, ये सब कारणों से हमें दिल का दौरा या एंजाइना हो जाता है। इसी तरह एक खास बात यह है कि यह बीमारी शहरी लोगों में ज्यादा पाई जाती है। गांव में रहने वाले मेहनत करते हैं, गांव में रहने वाले उतना बाहर का फूड नहीं खाते, घर में बनाए हुए और इसमें मिलावटी कुछ भी नहीं रहते। जो शहर में रहते हैं, सिटी में रहने वाले क्या है, भूख लगा तो पैसे दे के मंगवाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसमें सब मिलावटी चीज मिला के बनाते हैं, तेल हो या कुछ हो, फ्रेश नहीं रहता। वैसे शहर में रहने वालों के लोगों में ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं, अग्रवाल जी कहते हैं। शहरी जिंदगी की कशमकश और आधुनिकीकरण से जीवन के तौर तरीकों में हुआ बदलाव दिल को रास नहीं आया है। बढ़ता मानसिक तनाव, कुर्सी पर बैठे रहने की नौकरी जिससे कोई शारीरिक श्रम नहीं होता है, 24 घंटा ऑफिस में ही काम करते हैं, तो शहर की लाइफ ऐसे ही है, तो क्या है, फ्लैट में रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं, मेहनत का कुछ भी नहीं। तो मैं कमाने वाला व्यक्ति क्या है, घर से निकला ऑफिस चला जाता है, ऑफिस में बैठते हैं, वहीं पे भी बैठ के ही काम करना है, कंप्यूटर के सामने काम करते रहते हैं या लिखते रहते हैं कुछ भी, और शारीरिक रूप से उसे दूसरा भारी वाला चीज काम नहीं है। तो गांव में ऐसा नहीं है, खेती का काम करते हैं, घर का काम करते या तोटा कहते हैं, तो क्या है, बगीचे में जाते हैं, वहां पे भी मेहनत का काम करते हैं, नारियल काटना, नारियल लाना, ये सब। और शहर में क्या है, शुद्ध हवा मिलती है, यहाँ पे क्या है, शहर में शुद्ध हवा नहीं मिलती है, तो गांव में क्या है, बहुत ही अच्छी शुद्ध हवा मिलती है। तो शहर में अशुद्ध हवा बहुत गाड़ियों के कारण, उसमें सब मिलावटी रहता है, हमें श्वास में जाने में भी नहीं पता चलता है, अशुद्ध है। तो ऐसे माहौल में लेखक का अनुभव है कि शहरी लाइफ करने वाले, शहर में रहने वाले को ज्यादा दिल का दौरा आ जाता है। और जिंदगी की बाग दौड़ जिसमें व्यायाम के लिए समय नहीं, खान पान में आया अंतर और जंक फूड का प्रचलन, इस सबसे इस रोग को बढ़ावा मिलता है। तो आप समझ गए होंगे छात्रों, क्या है, गांव का लाइफ ही गांव का लाइफ है, तो शहर का क्या है, जिंदगी शहर का ही है, क्योंकि वहां पे कुछ भी शारीरिक व्यायाम नहीं मिलता है, चलना गलना क्या, आजकल बच्चे भी वैसे ही, सिटी में रहेंगे तो गाड़ी आता है, वहां से निकलते फिर स्कूल जाते, स्कूल से घर आ जाते, तो वहां पे कुछ भी नहीं। तो गांव में रहने वाले बच्चे क्या करते हैं, चल के बहुत किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, स्कूल को जाना पड़ता है, और घर में छोटा बड़ा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, हवा शुद्ध रहती है, शुद्ध मिलता है। इसके लिए दो डिफरेंस करके अग्रवाल जी बताते हैं, ज्यादातर क्या है, शहर में रहने वालों की ही ये बीमारी ज्यादा दिखाई देती है। यह किस उम्र में, उम्र के का रोग है, ये किसको आना है,
क्या बड़े लोगों का आते हैं, बच्चों लोगों का है, मिडिल एज के लोग, उम्र जिस उम्र में आता है, किस उम्र में आता है, देखिए आमतौर पर से ये एंजाइना और दिल का दौरा ये 35 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में ही देखे जाते हैं। 45 ईयर्स होने के बाद व्यक्ति कुछ 45 ईयर्स हुआ है तो उन लोगों में ज्यादातर ये दिल का दौरा दिखाई देता है। पर आजकल यह रोग युवा अवस्था में भी देखने को मिल रहा है। तो पहले क्या है, जो 45 क्रॉस होने के बाद ही के दिल का दौरा ज्यादातर दिखाई देता था, ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स बीमारी लोग रहते थे। लेकिन आजकल क्या है, युवा अवस्था यंग या बच्चों में भी आ जाता है, यंग या बहुत ही यंग है उन लोगों को भी युवा अवस्था में ही आ जाता है। और पिछले दिनों मेरे पास एक रोगी आया, उसकी उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी। डॉक्टर की अग्रवाल, यतीश अग्रवाल जो के इनके पास एक पेशेंट आया था, उसे केवल 23 साल था, उसे था हार्ट का प्रॉब्लम, दिल का दौरा था। और स्त्रियों में यह रोग पुरुषों की अपेक्षा काफी कम संख्या में आ पाया जाता है। स्त्रियों में यह रोग डॉक्टर के हिसाब से या लेडीज को यह रोग बहुत कम दिखाई देता है, जेंट्स को ही ज्यादा आता है ये बोल रही है। स्त्रियों में यह रोग पुरुषों की अपेक्षा काफी कम संख्या में पाया जाता है, क्योंकि जो जेंट्स है पुरुष जो है मेन बाहर जाते हैं, टेंशन रहता है, ऑफिस जाते हैं, सब कुछ मेहनत कर। आजकल तो क्या है, लड़कियां भी काम के लिए जाते हैं, लेडी और स्त्रियां भी काम के लिए जाते हैं, बराबर कर रहते हैं, ऑफिस में भी काम नहीं रहते, लेकिन आ सकता है। लेकिन जो है कंपेयर करेंगे तो ज्यादातर पुरुषों में ही दिल का दौरा ज्यादा पेशेंट्स आ चुके हैं मेरे शॉप में, ऐसे बता रहे हैं। तो इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या है, क्या क्या लक्षण दिखाई देते, सिम्टम्स या लक्षण क्या है? एंजाइना में लक्षण तभी उभरते हैं जब रोगी किसी तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है होता है और उसके दिल को सामान्य से अधिक काम करने की जरूरत आ पड़ती है। ऐसे में उसके सीने में बाईं ओर दर्द उठने लगता है, भारीपन रहने लगता है, बेचैनी होती है और वह थका सा महसूस होता है। तो कि एंजाइना का लक्षण क्या है, जो भारीपन हो जाता है और अपने लेफ्ट साइड में बाईं ओर क्या है, लेफ्ट साइड में बहुत भारी दर्द होने लगता है, सीने में या छाती में दर्द होने लगता है और उठने और बेचैनी होती है, चैन नहीं रहता है कुछ करने के लिए, सोने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए मन नहीं रहता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, बेचैन रहते हैं और क्या है थका पसीना कभी कभी पसीना आ जाता है, थकान हो जाए रहता है उनके बॉडी के अंदर। ये जो पेशेंट रहता है, बीमार व्यक्ति है, उसे ही पता चलता है, तो दूसरों को पता नहीं। तो वो करने का जो एक्टिविटी देख के पूछते हैं, तो घर में जो रहेंगे तो पूछते हैं क्या हो रहा है, क्यों ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बताते हैं, पूछते हैं। तो थका सा महसूस करता है तब सोचना है एंजाइना या ब्लॉक का प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो दिल का कुछ दौरा हो गया होगा। दिल के दौरे का प्रमुख लक्षण सीने में बाईं ओर प्राण लेवा दर्द उठना, और क्या है, सांस लेने के लिए नहीं हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है, तो दर्द हो रहा है सीने में, छाती में बहुत दर्द हो रहा है, सांस लेने के लिए नहीं हो रहा है, तो ये है प्राण लेवा दर्द, प्राण को लेने वाला मतलब सांस छूटने वाला, वैसा दर्द निकलता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके छाती पर कोई बहुत भारी चीज रख दी गई होगी, तो भारी वाला चीज अपने दिल के अंदर रखा है, ऐसे महसूस होने लगता है बीमारी को, जो है पेशेंट को ऐसे लगता है इस बीमारी में, ऐसे ही छाती में बहुत वजन चीज रखा जैसे लगता है उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को। यह दर्द बाएं कंधे, गर्दन, बांह और अंगुलियों के पोरों तक फैल सकता है, तो शोल्डर में भी, गर्दन में, नेक, बाहें में भी जो आ जाता है, हाथों में भी आ जाते हैं और उंगलियों के पोरों तक फैली सकती है। तो क्या है, नर्वस शेकिंग हो जाता है, इसके साथ ही जोरों का पसीना छूटने लगता है, बहुत ज्यादा तो गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी जो पेशेंट को जो है हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, तब क्या है, पसीना आ जाता है, घबराहट होती है और मितली की शिकायत भी हो सकती है, ज्यादा
तेज दौरा हो तो रोगी बेहोश होकर गिर सकता है। तो क्या प्यास प्यास होने लगता है तो क्या है उसको खाने के लिए कुछ मन करता है, तब दो कुछ भी मुंह में डाल तो कुछ ना कुछ बेचैन रह जाता है, ऐसे हो जाता है। कभी कभी ज्यादा दर्द होने से बेहोश भी हो जाता है और उसकी धड़कन एकाएक रुक भी सकती है। तो क्या बहुत से क्या उसका पेशेंस नहीं रहता है, उसको कंट्रोल ह्यूमिनिटी पावर नहीं रहता है, तब वो क्या है मर भी जाता है। आज के लिए इतना काफी है और आगे के भाग में हम देखेंगे दिल का दौरा पड़ने के लिए प्राथमिक चिकित्सा या उपचार क्या क्या करना चाहिए, अगले कक्षा में सीखेंगे। समझ में आया सोचती हूँ इतना जो है दिल के दौरे के बारे में समझ सके होंगे। और अगले जो विचार जो तीश अग्रवाल बता रहे हैं अगले कक्षा में सीखेंगे। धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.